कैसे हैं आप सब दोस्तों। एटा जिला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसका जिला मुख्यालय एटा शहर में है। एटा जिला अलीगढ़ मंडल का एक भाग है। एटा जिला उत्तर प्रदेश के अविकसित हिस्सों में से एक था, जिसने विकास के मामले में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही कुछ खास प्रगति नहीं दिखाई थी, परंतु पिछले 7 से 8 वर्षों में एटा जिला की जैसे कायापलट हो गई। एटा जिला में विकास की काफी अच्छी वृद्धि देखी गई, जिस वजह से यहाँ का प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों में शुमार हो गया। एटा जिला ऐतिहासिक रूप से संपन्न शहर, गुरुकुल विद्यालय सहित विभिन्न स्थानीय आकर्षणों का घर होने के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। जैसा कि पुरानी कहानी है, एठा उसी तर्ज पर एटा का प्राचीन नाम और एठा अवागढ़ के शासक द्वारा दिया गया था, जो कि बाद में बोलचाल में एटा का रूप ले लिया। भारतीय राजमार्ग दूरी के आधार पर एटा जिला नई दिल्ली से 206 किलोमीटर, कानपुर से 221 किलोमीटर, आगरा से 85 किलोमीटर, अलीगढ़ से 70 किलोमीटर, मैनपुरी से 56 किलोमीटर, फिरोजाबाद से 72 किलोमीटर, इटावा से 100 किलोमीटर और बरेली से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक बेहद ही खूबसूरत जिला एटा के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पूर्व में फरुखाबाद, पश्चिम में हाथरस, उत्तर में कासगंज तथा दक्षिण में आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिला से घिरा हुआ एटा जिला का कुल क्षेत्रफल 2691 वर्ग किलोमीटर का है। जिले के कुल क्षेत्रफल में से 3,28,333 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कृषि के अंतर्गत, जबकि 26.118 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत आता है। बाकी का क्षेत्रफल घरों, फैक्ट्रियों और अन्य संरचनाओं के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो एटा जिला के अंतर्गत 8 विकास खंड शीतलपुर, सकीट, निधौली कलां, मरहरा, जलेसर, अवागढ़, जैथरा और अलीगंज, 892 गांव और 3 तहसील सड़कों पर दौड़ती हुई अधिकतर गाड़ियों में अगर आप UP 82 लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि आप उत्तर प्रदेश के एटा जिला में हैं। दोस्तों, एटा जिला सड़क और रेलवे द्वारा काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित है और यहाँ तक आप काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें यहां से सीधे दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और लखनऊ तक के लिए उपलब्ध है। रेल मार्ग से एटा तक पहुंचने के लिए यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन कासगंज रेलवे स्टेशन है, जहां से 30 मिनट के समय में एटा तक पहुंचा जा सकता है। वहीं बात अगर हवाई मार्ग की करें तो एटा जिले का नजदीकी बड़ा एयरपोर्ट आगरा में है, जो कि यहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एटा जिला यूपी का तीसरा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के एटा जिले का प्रति व्यक्ति आय 1,14,940 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। दोस्तों, यहाँ पर बड़े उद्योग नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ कारखाने मौजूद हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, एटा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। खेती एटा के लोगों का एक मुख्य रोजगार है। एटा की भूमि काफी उपजाऊ है, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे अनाज उत्पन्न होते हैं। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार एटा जिले की कुल जनसंख्या 17,61,152 है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। 2001 से 2011 के दौरान यहां पर लगभग 13% जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। बात अगर लिंगानुपात की करें तो यहां पर 863 महिलाओं पर 1000 पुरुष मौजूद है। यहाँ की साक्षरता दर 82.27% है। एटा जिला के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों में सरस्वती विद्या मंदिर, ट्यूलिप पब्लिक स्कूल, श्याम बिहारी पब्लिक स्कूल, असीसी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसके कॉलेज एटा, जनता डिग्री कॉलेज एटा, पीजी कॉलेज जलेसर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल। दोस्तों, एटा जिला एक हिंदू बहुल जिला है और यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या 91% के आसपास है। बाकी की जनसंख्या मुस्लिमों, सिख्स और अन्य धर्मों से बिलोंग करती है। एटा जिला में घूमने के लिए
कई सारे शानदार स्थान हैं, जैसे कि पटना विहार पक्षी अभयारण्य, आवागढ़ किला, काली मंदिर, जनता दुर्गा मंदिर, पथवारी मंदिर, बड़ा जैन मंदिर, गुरुकुल और कैलाश मंदिर इत्यादि, जहां पर जाकर आप घूमने का मजा ले सकते हैं। इन जगहों पर एटा के अलावा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग सालों भर आते रहते हैं। दोस्तों, किसी भी जिला का समुचित विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां का क्राइम रेट कम ना हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के एक डाटा के अनुसार एटा जिला के क्राइम रेट 236.24 है और इसमें सुधार करने की काफी जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एटा जिला के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद पहुंचा हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।